मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड टाइगर डे पर प्रदेश के पूरे वन अमले को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसलिए मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी और बढ़ाएगा भी। वर्ल्ड टाइगर डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल हुए बाघ पुनर्स्थापना का विशेष उल्लेख किया और सतपुड़ा के घने जंगलों में लगातार बढ़ रहे बाघों की संख्या को लेकर भी प्रसन्नता जाहिर की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वह अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसकी एक अपनी अलग पहचान है, यह प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। उन्होंने कहा, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, सतपुड़ा के घने जंगल गूंजते अनबने जंगल और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है, ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनबने जंगल, और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शिवराज ने कहा, वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है और प्रकृति का चक्र भी ऐसा है कि टाइगर के बिना सृष्टि नहीं चल सकती और इसीलिए भौतिक प्रकृति और पर्यावरण संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए टाइगर भी बचे और बाकी वन्य प्राणी भी स्वतंत्र विचरण करें तो उससे प्रकृति का पूरा चक्र होता है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश कटिबद्ध है टाइगर को बचाने और बढ़ाने के लिए। वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है और प्रकृति का चक्र भी ऐसा है कि टाइगर के बिना भी सृष्टि नहीं चल सकती और इसलिए भौतिक प्रगति और पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए टाइगर भी बचे और बाकी वन्य प्राणी भी स्वतंत्र विचरण करे तो उससे प्रकृति का पूरा एक चक्र होता है। मध्य प्रदेश कटिबद्ध है टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी, और आज टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश फिर से स्थापित हुआ है। मैं टाइगर पार्क वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारी मित्रों को, इस काम में लगी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।